परम पूज्य एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज मंचा सीन हो चुके। भक्ति अपना बहुमान प्रकट करें, विनय प्रस्तुत करें। अथ चातुर्मास स्थापना महामहोत्सव कार्य प्रारंभ विलक्रम पूर्वाचार्य अनुक्रमण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना सब समितम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य हम नौ बार नमोकार। शरीरा जीव घना उपजुत्ता दंसने नानेय सायार मनायारा लखन मेयंतु सिद्धानम मूलोत्तर्पणीणम बंधोदय सत्यकम मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अठ गुणातीत संसारा अठ व्य कम वेला सीधी भूदा निरंजना अठ गुणा किल किच्चा लो यज्ञ वासिनो सिद्धा सिद्धान अठ अठ मला विशुद्ध बुद्धि अलथि सभावा तिहुण सिर से हरिया पसियंतु भणारया सवे गमना गमन विमुके विहड़िय कम पैड़ संघादा सासे सुह संपत्ते ते सिद्धा वंदियोणिचम जय मंगल भूदानम विमलानम नान दंसन मयानम ते लोई सेहराणम नमो सदा सौ सिद्धानम सम्मत्तनान दंसन वीर्य सुम्मं तहि अवगहनम अगुरु लघुम अव्वाहम अठ गुणा होंति सिद्धानम तौ सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम मिदंसनम्य सिद्धे सिरसा नमस्सामि इच्छामि वंदे सिद्ध भक्ति काओ सगु कौ तत्सालोच्यं सम्मणान समदंसन समचरजुत्ताणम अठवे कम मुक्काणम अठ गुण संपन्नानम उड्ढलोय मध्यमि पैठ्यानम तौ सिद्धानम नय सिद्धानम संजम सिद्धानम चरित सिद्धानम अतीतानागत वर्तमान कालतय सवो सिद्धानम सयणच कालम अचेमि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। दोनों हाथ उठाकर इतनी शक्ति और इतनी जोरदार जयकारे के साथ आप इस कार्यक्रम में अपनी जान अपनी ऊर्जा भर दें कि हम सभी यहाँ उत्सव मनाने आए हैं। बोलिए एलाचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज की। सभी सज्जन अपने स्थान पर विराजें। सामरिक कैमरे लाइव चल रहे हैं, महाराज जी को बिल्कुल भी ढके ना, इस तरह से व्यवस्था बनाएं जिससे आपकी रिकॉर्डिंग भी सही आए और किसी भी प्रकार मंच के अनुशासन में कोई कमी ना आए। ओम राम नमो रिंतरणम राम पूर्व दिशा समागतान विघ्नान नवरे नवरे मामेतान सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम रीम नमो सिद्धानम रीम दक्षिण दिशा समागतान विघ्नान नवरे नवरे मामेतान सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम रूम नमो हरिणम रूम पश्चिम दिशा समागतान विघ्नान नवरे नवरे मामेतान सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम रौम नमो ओझाणम रौम उत्तर दिशा ता समागतान विघ्नान नवरे नवरे मामेतान सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम रह नमो लोय सवसाहुण रह सर्व दिशाता समागतान विघ्न नवर नवर मामेतान सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम रूम क्षुम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोट स्फोट सहस्त्र कंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद्री पर मुद्रान बिंद बिंद क्षाम क्षावा वरुम फट सर शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षीणाशय दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु नाशनाय सर्वपरग्रक्षद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विघ्नाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि अवसर सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वप्रथम सिद्ध भक्ति के माध्यम से इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की, उसके उपरांत पंच परमिष्ठी के महाबीजाक्षरों से संपन्न रिद्धि मंत्रों के माध्यम से
दिग्बंधन आदि की क्रिया संपन्न की और अब हम सब चलते हैं मंगलाचरण मंगलाष्टक के सिद्ध भक्ति के उपरांत इस पूरे वातावरण को संगीतमय सुमधुर ध्वनियों से भरने हेतु मंगलाचरण हेतु हमारे पास श्रीमती पूनम जी जैन बलराम नगर लोनी से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी सुधी श्रोता हैं, आप सभी को सभा की सारी विनम्रता सारा उत्साह वर्धन पता है। एक बार ताली बजाकर इस बात को दर्शाएं कि हम हर अच्छे वक्ता का उत्साह वर्धन अपनी तालियों करतल ध्वनि के माध्यम से करेंगे। बधाएं और मंगलाचरण के माध्यम से इस महोत्सव की शुरुआत करें। श्री पायसनाथ भगवान की जय। एलाचार्य श्री अतिवीर महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आदित्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अरिहंतो को नमस्कार श्री सिद्धो को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार से साथ हैं आप सब पंच परमेष्ठी के नाम स्मरण की महिमा गा रहे हैं मां जोरदार तालियों से आप सभी तालियों से साथ हैं। अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपास जिनिरा सुमति पदम सुपास जिनिरा चंद पुष्प शीतल श्रियांश धर्म जसी उज्जवल शांतिनाथ मल मंदी मना शांतिनाथ मल मंदी मना मुनि सूरत नमी ने मी पाशी प्रभु मुनि सूरत नमी पाशी पाशी प्रभु बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की मंगलाचरण के माध्यम से भगवान की जय।
पंच परमिष्ठी के स्मरण के साथ मंगलाचरण का मंगलमय कार्य यहाँ संपन्न हुआ। अब हम सब अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वहन करते हुए अनेक अनेक स्थानों से बहुत सारे सज्जन यहाँ पधारे हैं। मैं उन सभी का दिगंबर जैन समाज बलराम नगर लोनी पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार ट्रस्ट कमेटी के सभी सज्जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बलराम नगर लोनी के सभी सज्जन हाथ जोड़कर सभी अतिथियों को आमंत्रित कर लें, स्वागत कर लें। दोनों हाथ उठाकर सभी लोग ताली बजाकर सभी अतिथियों का अभिवादन करें। रविवार के दिन अक्सर लोग छुट्टी मनाना पसंद करते हैं। सांसारिक अनेक प्रकार के राग रंगों में रंगकर मॉल घूमने जाना, पार्क जाना, इन समस्त कार्यों में रत रहते हैं। आप सभी बड़े पुण्यवान और धर्मात्मा लोग हैं जो अपने अमूल्य समय को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए श्री गुरु के चरणों में उपस्थित हैं। आप सभी ने आज अपने पुण्य को अनंत गुना बढ़ा लिया है। जब इस युग के दिल्ली प्रांत के जन्मे और दिल्ली में ही दीक्षा, दिल्ली प्रांत में ही दीक्षा और दिल्ली में ही 13वां चातुर्मास, तो आप सभी दिल्लीवासी सौभाग्यशाली हैं। अपने ही घर में जन्मे वासुपूज्य भगवान मात्र एक ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने अपने पांचों कल्याणक एक ही जगह अपने ही गांव में जन्मे, अपने ही गांव के जोगी और अपने ही गांव के सिद्ध। इस बात को, कहावत को या तो वासुपूज्य स्वामी ने तोड़ा था, नहीं तो अक्सर लोग कहते हैं कि अपने गांव का जोगी और दूसरे गांव का सिद्ध, और या फिर एलाचार्य अतिवीर सागर महाराज जी हैं जिन्होंने इस परंपरा, इस कहावत को तोड़ दिया है कि अपने ही गांव का बेटा, अपने ही गांव का लाडला, अपने ही गांव का जोगी और शायद दिल्ली से ही कभी मुक्ति को प्राप्त होंगे। ताली बजाकर हम सब दिल्लीवासी अपने सौभाग्य की सराहना करें। अनेक अनेक स्थान दिल्ली प्रांत से बहुत सारे सज्जन आए हैं, उनकी संपूर्ण लिस्ट मुझे समीर भैया कुछ ही समय में यहाँ देंगे। उसके पूर्व मैं निवेदन करता हूँ, आज हमारे बीच श्री सतीश जी शर्मा एस के मार्बल लोनी उपस्थित हैं, वे इस मंडप का उद्घाटन का मंगल कार्य करेंगे। आमंत्रित करता हूँ श्री सतीश जी शर्मा जी एस के मार्बल लोनी आमंत्रित हैं, उनके साथ ट्रस्टीगण आए और इस महामहोत्सव का मंडप उद्घाटन का मंगल कार्य करेंगे। ताली और बहुत सुंदर म्यूजिक के साथ इस प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। उनके साथ श्री मनोज जी जैन साहब चेयरमैन महोदय, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। बड़ौद से विधायक जी आए हैं, वे भी आ जाएं। लोनी विधायक महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं। नगर के प्रथम पुरुष और जिस गद्दी पर कभी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे, आज उस राजा की गद्दी पर आसीन है ये सभी लोग। दोनों हाथ रखकर तालियों के माध्यम से इनके श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना करें। गुरु चरणों में पधारे हैं, भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे श्रेष्ठ बड़े पदों को पाएं, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आएं और मंडप उद्घाटन के मंगल कार्य को संपन्न करें। एस के शर्मा जी साथ में सभी जितने अतिथियों के मैंने नाम लिए हैं वे सभी पधारेंगे और मंगल कार्य को हम सभी पूरी समाज के साथ तालियों की करतल ध्वनि के साथ संपन्न करेंगे। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। हो नवग्रह उसके रहे पक्ष में, हो नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नवार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। मंडप उद्घाटन का मंगल कार्य करेंगे श्री सुनील सतीश जी शर्मा एस के मार्बल लोनी और साथ में हमारे विधायक जी
नगर निगम परिषद से जो भी पदाधिकारी सज्जन आए, वे सभी कर ताली बजाकर आप सब अच्छे सुकार्य की अनुमोदना करें। श्री सतीश शर्मा जी हमारे स्वागत अध्यक्ष भी हैं, एक बार उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद ले लें और चातुर्मास के इस मंगल कार्य की श्रेष्ठ प्रथम प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बलराम नगर के ट्रस्टीगण अध्यक्ष जी, सभी ट्रस्टीगणों ने गुरुदेव के चातुर्मास महामहोत्सव का प्रतीक चिन्ह स्मृति भेंट दे रहे हैं, ताली बजाकर आप सभी इस कार्य की अनुमोदना करें। तालियां। श्रीमान मनोज जी धामा, भूतपूर्व चेयरमैन लोनी बलराम नगर, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वर्तमान भी चेयरमैन यही हैं, ऐसा मुझे सब सज्जन बता रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भविष्य में मंत्री बने, सांसद बने और देश के लोकोत्तम पदों पर आसीन होकर सदैव धर्म की राह पर बढ़ते थे। मंडप उद्घाटन के मंगल कार्य को करने के पश्चात ध्वजारोहण की मंगल प्रक्रिया संपन्न हो, उस हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ श्री धनपाल जी जैन, बाहुबली एन्क्लेव आज के इस कार्य के संपूर्ण महोत्सव के ध्वजारोहण करता है। श्री धनपाल जी जैन साहब अपने पूरे परिवार के साथ पधारें और बलराम नगर लोनी ट्रस्ट कमेटी के सभी सदस्य ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचे, ध्वजारोहण के मंगल कार्य को संपन्न कराएं। श्रीमान मनोज जी धामा, भूतपूर्व चेयरमैन लोनी बलराम नगर, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वर्तमान भी चेयरमैन यही हैं, ऐसा मुझे सब सज्जन बता रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भविष्य में मंत्री बने, सांसद बने और देश के लोकोत्तम पदों पर आसीन होकर सदैव धर्म की राह पर बढ़ते थे। मंडप उद्घाटन के मंगल कार्य को करने के पश्चात ध्वजारोहण की मंगल प्रक्रिया संपन्न हो, उस हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ श्री धनपाल जी जैन, बाहुबली एन्क्लेव
आज के इस कार्य के संपूर्ण महोत्सव के ध्वजारोहण करता है श्री धनपाल जी जैन साहब, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें और बलराम नगर लोनी ट्रस्ट कमेटी के सभी सदस्य ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचे, ध्वजारोहण के मंगल कार्य को संपन्न कराएं। दोनों हाथ एक बार, कितने लोग चाहते हो कि पूरा उत्सव अच्छे से हो जाए, पूरा चातुर्मास अच्छे से हो जाए, तो मेरा निवेदन है एक सेकंड के लिए आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर और ध्वजा की ध्वजारोहण करता श्री धनपाल जी जैन साहब आए और गुरु महाराज का मंगल आशीष उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्राप्त करें। पद्मनी इंडस्ट्रीज पहुंचे, चित्र के समक्ष पहुंचे श्री राज चित्रनवरण के उपरांत केवल ज्ञान ज्योति के प्रतीक चिन्ह रूप दीप प्रज्वलन के मंगल कार्य को संपन्न कर रहे हैं तो श्री सुरेंद्र जी जैन गत्ते वाले शाहदरा श्रेष्ठ सज्जन हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा। श्री सुरेंद्र जी जैन गति वाले चित्रनारायण के मंगल कार्य को संपन्न किया, ताली बजाकर उस मंगल कार्य की अनुमोदना करें। बोली महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री सरमती सागर जी महाराज की। सुरेंद्र जी जैन पधारे और केलाचार्य श्री रतिवीर सागर महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद ले लें। सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भाई 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 दीप प्रज्वलन का मंगल कार्य संपन्न हुआ। भाई थोड़ा कैमरा पीछे करो। सुरेंद्र जी गति वाले शाहदरा परिवार ने दीप प्रज्वलन का मंगल कार्य संपन्न हुआ। हम सब ने केवल ज्ञान ज्योति की स्थापना इस मंच पर उनके करके आशीर्वाद ले लें और आगामी समय में भी हम अनेक भव्य अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान इस महोत्सव में यहाँ करें, उसे तो हमें अपना आश्वासन एवं सहयोग प्रदान करें। ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री हरि जी साहब प्रधान जी वे गुप्ता जी को तिलक और अंग वस्त्र के माध्यम से सम्मान करें, श्रीफल देते हैं गुरु महाराज के चरणों में, श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद देते हैं। सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान पर ही खड़े होकर अपनी उपस्थिति गुरु महाराज के पूज्य पावन चरणों में दर्शाएंगे। एक बार मैं निवेदन करूंगा, जो भी सज्जन खड़े हैं मंच पर वे यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर विराजें।
कैमरे वाले भैया इसी तरह से तुम फोटो खींचते रहोगे तो कार्यक्रम में 4 बजेंगे। कोशिश करें जल्दी जल्दी। चलिए उसके बाद शीघ्रता से बिठा लें सबको, जिससे मैं आगे के कार्यक्रम की उद्घोषणाएं करूं। जी जी आप लोग इधर आ जाओ। प्रमोद जी हमारे बीच अनेक अनेक स्थानों से सज्जन आए हैं। शक्तिनगर दिगंबर जैन समाज, कैलाश नगर दिगंबर जैन समाज, न्यू रोहतक रोड दिगंबर जैन समाज, बैंक इंक्लिव जैन समाज, गगन विहार जैन समाज, केशवपुरम जैन समाज, कैलाश नगर जगन जैन समाज, ऋषभ विहार जैन समाज, सूर्यनगर जैन समाज, अशोक विहार जैन समाज, शांति विहार जैन समाज, चांदनी चौक जैन समाज, नांगलोई दिगंबर जैन समाज, खेकड़ा जैन समाज, बड़ौद जैन समाज, शांति मोहल्ला जैन समाज, गौतमपुरी जैन समाज, शालीमार बाग जैन समाज, आजादपुर जैन समाज, अशोक विहार जैन समाज, अशोक विहार फेस 2 जैन समाज, वायदू ट्रेवल्स परिवार, त्रिनगर जैन समाज, अध्यापक नगर जैन समाज, शकरपुर जैन समाज और जैन नगर जैन समाज। अनेक अनेक स्थानों से आज सज्जन पधारे हैं। मैं जिन जिन सज्जनों के नाम उद्घोषित कर रहा हूँ, आप सभी बैठ जाएं। आप कोई सम्मान स्वागत अपने को नहीं करना है, बैठें जल्दी से। मंच पर जो भी लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध करूँगा यथाशीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं, और वहाँ नीचे वाले मंच पर आप लोग जो बैठे हैं थोड़े थोड़े से खिसक जाएंगे, जिससे वहाँ एक बालिका अपना नृत्य, नहीं 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 वहीं बैठना, बस खिसक जाएं थोड़े से पीछे, जिससे एक बालिका को नृत्य करने का स्थान मिल जाए। शक्तिनगर से सुनील जी जैन साहब और उनके पूरे परिवार के अनेक सज्जन पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरे इस समूह में जितने भी सज्जन बैठे हैं ताली बजाकर जोरदार तालियों से शक्तिनगर दिगंबर जैन समाज का अभिवादन करें। गुरु महाराज का मंगल आशीष उन्हें प्राप्त हो। वेद प्रकाश जी, अशोक जी जैन, पवन जी जैन, ये सभी पधारे, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। न्यू रोहतक रोड दिगंबर जैन समाज से अनिल जी जैन साहब, न्यू रोहतक रोड से ऋषभ जी जैन साहब, मामचंद जी जैन साहब बैंकिंग क्लब से पधारे। मैं न्यू रोहतक रोड समाज से निवेदन करूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए अध्यक्ष महोदय ऋषभ दद्दू ये सभी अपने स्थान से ताली बजाकर हम सभी धन्यवाद दें। ताली नहीं बजाओगे तो तुम्हारी बारी आएगी, तब कौन बजाएगा। सभी का अभिवादन करें, सभी अतिथि देवो भव, सबको बुलाऊंगे इसमें क्रमशः नाम। चित्रनावरणकर्ता हमारे बीच हैं, वो एक मिनट में अपने भाव गुरु चरणों में इस चातुर्मास के विषय में अर्पित करना चाहते हैं। निवेदन करूंगा आए और राजेंद्र जी जैन साहब भी अपने भाव व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु करने के पश्चात सभी धर्म सभा को सादर जय जिनेन्द्र। मैं बड़ा उत्सुक था एक मिनट की बात करने के लिए, क्षमा करेंगे महाराज श्री। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि महाराज श्री का यहाँ पर चतुर्मास हो रहा है। मैं विशेष रूप से जिस टाइम मंदिर का पंचकल्याणक हुआ या तो इतने जैन समूह को यहाँ पर देख रहा था या आज अतिवीर सागर जी महाराज के चतुर्मास के उपलक्ष्य में यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं आपको बात बताने की इच्छा कर रहा था, इसका नाम वर्धमान सरस्वती शिशु मंदिर क्यों पड़ा, इसी बात के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं जैन समाज का अकेला व्यक्ति इस संस्था के अंदर था और जब मैं मीटिंग हुई तो उसमें ये रखा गया कि विद्यालय का नाम वर्धमान सरस्वती शिशु मंदिर रखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन लोग जो हैं भामाशाह हैं, वो दान देने में पीछे नहीं रहते हैं और वर्धमान का मतलब है वर्दी करे, वर्दी करता चला जाए। वास्तव में यहाँ पर एक जगह थी जिसके ऊपर 10-10 फुट लंबी घास जमी हुई थी। हम संघ के स्वयंसेवकों ने इस घास को समाप्त किया
फिर इसके अंदर आज जो देख रहे हैं आप, करोड़ों रुपए की लागत से ये इंटर कॉलेज मान्यता प्राप्त चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि फिर बात को दोहराता हूं कि जिस टाइम पंचकल्याणक हुआ यहां पर मंदिर का, उस टाइम ज्ञान सागर जी के सानिध्य में यहां पर लोग एकत्रित हुए थे, या आज अति सागर वीर जी सागर के चतुर्मास के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं अभी सुबह, मेरे को एक सौभाग्य और प्राप्त हुआ, आज हमारे पूरे ज़िले में गुरु दक्षिणाओं का कार्यक्रम था संघ की दृष्टि से, लेकिन मैं विशेष रूप से कल हरीश जी ने फ़ोन किया तो मैं उनकी बात को नकार नहीं सकता था, और गुरु महाराज अतिवीर जी से मेरा पुराना संपर्क है, आप जान सकते हैं हमारी मार्केट में चावड़ी बाजार में, विशेष रूप से मैं जिस दिन महाराज श्री यहाँ पर प्रवेश किया उस दिन भी आपके दर्शन करने के लिए आया था। तो मैं इस बात को विराम देते हुए कह रहा हूँ कि ठान लिया जब हमने करना है समाज का काम, तो सुख सुविधाओं की चाहत को कर दो राम राम, सेवा है कर्तव्य भावना ना कोई व्यापार, स्वयं प्रेरणा से हमने ये मार्ग किया स्वीकार, नहीं चाहिए हमको कोई खुद की जय जयकार, नहीं चाहिए हमको कोई खुद की जय जयकार, ठान लिया जब हमने करना है समाज का काम, सुख सुविधाओं की चाहत को कर दो राम राम। पुणे में सबका अभिवादन करता हूँ, और भाई हरीश जी जो अपने अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे दो मिनट का बोलने का समय दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच अनेक अतिथि गणाए हैं, श्री मामचंद जी जैन साहब और बैंक इंक्लेव के जितने भी सज्जन आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गुरुदेव के पूज्य पावन चरणों में। बैंक इंक्लेव समाज बहुत समर्पित समाज है, गुरुदेव के अनेक प्रवास, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन प्रवास वहां उनको प्राप्त होते हैं, एक बार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दें, बहुत श्रेष्ठ समाज है। इसके पश्चात श्री सुरेश चंद जी जैन गगन विहार से हमारे बीच हैं, ताली बजाकर उनके भी श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना, पूरी गगनवार समाज को प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करें। केशवपुरम से अरविंद जी जैन साहब और पूरी केशवपुरम जैन समाज पधारी है, उनसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े हों और गुरुदेव के पूज्य पावन चरणों में वहीं से नमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ताली बजाकर हम सभी धन्यवाद दें। कैलाश नगर दिगंबर जैन समाज से नीटू भैया और उनके सभी साथी भाई आए हैं, ऋषभ विहार, सूर्यनगर, अशोक विहार, शांति विहार, चांदनी चौक, नांगलोई, खेकड़ा, बड़ौद, शांति मोहल्ला, गौतमपुरी से शालू भैया की पूरी टीम, शालीमार बाग से सभी सज्जन, आजादपुरी से सभी सज्जन आए हैं, त्रिनगर से भी दिगंबर जैन समाज के सभी सज्जन आए हैं, अध्यापक नगर शकरपुर, ज्योति नगर राधेपुरी, लोनी को छोड़कर जितने भी सज्जन जहां जहां से भी आए उन सब से अनुरोध करूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और समूह रूप में खड़े होकर राजेश भैया वर्धमान ज्वेलर्स सभी भैया एक बार खड़े हो जाएं और गुरुदेव के पूज्य पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। समय का अभाव है, लोनी के जितने लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। अतिथि देवो भवा, सभी सज्जन अपने स्थान पर विराजें और आप सभी ट्रस्टी गणों से भी निवेदन करूंगा अपने अपने स्थान पर यथाशीघ्र। कैमरे वाले भैया एक बार सेट कर दें यहाँ आगे और आप बैठ जाएं आगे, जब तक कोई नया दृश्य ना आए तब तक आप बैठे रहें, महाराज जी का ऐसा निर्देश है, बार बार खड़े ना हो, बैठ जाएं। कोई कार्यक्रम अभी महाराज जी जैसा कहेंगे वो अपने को करना, बैठ जाएं जल्दी से। सम्मान का एक निश्चित अपन कोटा बना लें, कब कितने टाइम में कैसे करना। हाँ, जितने भी सज्जन यहाँ खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा यथाशीघ्र बैठ जाएं, सारे लोग खड़े ना हो बार बार। कुमारी आशी जैन, आयुषी जैन, वो नृत्य भक्ति के माध्यम से गुरुचरणों की भक्ति प्रारंभ कर रही, वहाँ पहुँचें, आशीर्वाद ले लें और पहुँचें। आप सभी नीचे वाले स्टेज पर पहुँच जाएं, सभी ट्रस्टीगण नीचे वाले स्टेज पर पहुँच जाएं। म्यूजिक उसका तैयार हो, शुरू करें। हो मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव
समुद्र से तरने को रत्नत्र ही यह नौका है, जो खंड खंड हर पहलू को एक रूप बनाने मौका है। उस अक्षय पद को ही पाने में अक्षत तुम्हें चढ़ाता हूँ, प्रत्याशी उस पद का बनने में, प्रत्याशी उस पद का बनने में सुधा मांगने आया हूँ मैंने। हाँ मैंने, हो मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव सागर में नैया डाल दई, मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव सागर में नैया डाल दई। तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन करें। छोटी सी बालिका ने गीत में कोई बहुत बड़े बड़े शब्द, बहुत बड़े बड़े संगीत के धुने नहीं थी, लेकिन समर्पण बहुत था। मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव सागर में नैया डाल दई, समर्पण की भावना को लेकर आप सभी जिनकी ये भावना, एक बार दोनों हाथ से ताली बजाकर बालिका के लिए भविष्य की उज्ज्वल कामना करें। नृत्य भक्ति के उपरांत गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर अपने आत्म प्रक्षालन की पवित्र भावना को लेकर हम सभी उस कार्य की अनुमोदना करें। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अमरचंद जी जैन साहब प्रीत विहार, वे हमारे बीच उपस्थित हैं। सब परिवार पधारें और मंगलमय पाद प्रक्षालन के लिए हरीश जी कह रहे हैं कि बोली के माध्यम से आप एक पात्र का चयन कर लें और साथ में अमरचंद जी जैन साहब इस मंगल कार्य को करेंगे। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए मैं बोली प्रारंभ करता हूं। आज पंकज भैया, नीटू भैया, सुनील भैया, अंकुर भैया, ये पूरी टीम आ जाए और पाद प्रक्षालन के मंगल कार्य को संपन्न करें। ताली बजाकर छह भावों की अनुमोदना। शालू भैया आ जाओ। पाद प्रक्षालन के मंगल कार्य को ये गुरु भक्त परिवार के लोग हैं जो सतत गुरु चरणों से जुड़े रहते हैं। वर्धमान भैया, राजेश भैया वो भी आ जाएं और ऋषभ दद्दू जी ये भी आ जाएं। बैंक इंग्लिश से मामचंद जी साहब आप लोग भी आ जाएं। पाद प्रक्षालन की मंगल प्रक्रिया संपन्न कर इस मंगल कार्य से जुड़े अरविंद भैया, राकेश भैया, चलिए पाद प्रक्षालन प्रारंभ करें। कलश दे दें, कलश थाल दे दें। जी महाराज की चार से जगी भी जलधारा से नित्य में जग की शांति है, अति वीर जी को पूज हो श्रद्धा भक्ति समेत, शांते शांति धारा दिव्य चरणा प्रक्षालन, शांते शांति धारा दिव्य चरणा प्रक्षालन। बोलिए लाचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज की। पूरे दिल्ली प्रांत की ओर से गुरुदेव का पाद प्रक्षालन संपन्न हुआ। मैं निवेदन करूंगा सभी पाद प्रक्षालन करता अपने अपने स्थान पर पहुंचे और अपना अपना स्थान ग्रहण कर आगे के कार्यक्रम में बढ़ने हेतु हमें गति प्रदान करें। सभी सज्जन पहुंचे। के सुंदर थालों के माध्यम से गुरुदेव की हम सब मंगलमय पूजन यहां प्रारंभ करें। उस हेतु सुंदर से अष्टद्रव्य के मंगलमय थाल सजे हुए यहां उपस्थित हैं। हरीश जी
बस फटाफट कराएं, पूर्ण बिठा लें जल्दी से सबको। अष्ट द्रव से मंगलमय पूजन हेतु अष्टद्रव के मंगल थाल हेतु आठ सज्जनों को सौभाग्य प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारे राकेश भैया वो अष्टद्रव के थालों में से जल समर्पित करेंगे, पधारें। चंदन समर्पित करने के लिए मनीष भैया, एक आपका नाम यहाँ उपस्थित है, आ जाएं, चंदन समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के लिए हाँ अष्टद्रव के मंगल थाल नीचे वहाँ उस पर समर्पित करेंगे। पहुँचते जाएं अपने अपने स्थान पर। अक्षत का थाल नीटू भैया को दे दें। पुष्प का थाल सुनील भैया शक्तिनगर। नैवेद्य का थाल राजेश भैया सनमति ज्वेलर्स। दीप का थाल नानक चंद जी साहब और साथ में टीम बैठी है, दीप का थाल ले लें, आ जाएं। अष्टकर्म निवारण करने वाली सुंदर सी धूप का थाल बैंक के लिए परिवार के हाथ में दे दें, यहीं आ जाएं आगे। अक्षत यही है, अक्षत जी वो दिख ही रहा है। गौतमपुरी समाज के सभी सज्जनों को हमेशा गुरुदेव का चातुर्मास आशीर्वाद हमेशा फल के रूप में मिलता है, तो फल का थाल गौतमपुरी परिवार ले लें, आ जाएं सभी लोग। एक एक समाज के एक एक सज्जन अलग अलग थाल ले लें, जिससे पूरा दिल्ली प्रांत यहाँ उपस्थित है, इसकी सहभागिता यहाँ समर्पण दर्ज हो जाए। न्यू रोहतक दिगंबर जैन समाज अर्घ का थाल ले लें, क्योंकि आप हमेशा सबको लेकर चलकर एक बड़े बड़े श्रेष्ठ कार्य करते हैं। सबसे पहले जल लेकर आ जाए। गुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावानी, हवा बिच उड़ती जावानी, गोबर डोर बच्चों को मैं जावानी। गुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी सागर जी महाराज की चंदन समर्पित करने के लिए मनीष भैया और उनकी पूरी टीम युवाओं की, अरविंद भैया, लॉरेंस रोड, सभी एक साथ आ जाएं। और उसके बाद जो जो सज्जन द्रव्य समर्पित करें वे अपने स्थान पर यथास्थान बैठते जाएं। आज एलाचार्य श्री अति वीर सागर मुद्राए संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। अक्षत समर्पित करने के लिए जो सज्जन अक्षत दिए हैं वे आ जाएं अपने पूरे परिवार के साथ। कैलाश नगर दिगंबर जैन समाज के सभी सज्जन और उसके आसपास जितने भी सज्जन कैलाश नगर के आसपास रहते हैं वे सभी आते हैं। पुष्प समर्पित करने के लिए
शक्तिनगर दिगंबर जैन समाज के सभी सज्जन और राणा प्रताप बाग आसपास के जो सज्जन हैं उन सबको बुला रहे हैं। ओम रोम शदष्ट इलाचार्य श्री अतिवीर सागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामी स्वाहा। नैवेद्य समर्पित करने के लिए नांगलोई अध्यापक नगर बुद्ध विहार वहाँ के जितने भी सज्जन उपस्थित हैं ज्योति नगर वे सभी सज्जन एक साथ आ जाए नैवेद्य समर्पित करने के लिए। ओम रूम शताष्ट राजेश भैया अपने भैया को भी बुला लो सारे साहब एक साथ। ओम रूम शताष्ट एलाचार्य श्री अतिवीर सागर मुनिराय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम नर्वपामीति स्वाहा। दीप समर्पित करने के लिए आ जाए। ओम रूम शताष्ट एलाचार्य श्री अतिवीर सागर मुनिराय महामोहनकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। दीप से आरती करेंगे बताना जाने वाले सबसे। धूप समर्पित करने के लिए बैंकिंग क्लियर समाज के सभी सज्जन आ जाए और बलराम नगर। ओम रूम शिदाष्ट एलाचार्य श्री अतिवीर सागर मुनिराय अष्टगण दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। गौतमपुरी दिगंबर जैन समाज के और शाहदरा के आसपास के सभी सज्जन जो गौतमपुरी के आसपास रहते हैं वे सब फल समर्पित करेंगे। ओम रूम शताष्ट एलाचार्य श्री अतिवीर सागर मुनिराय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। अष्टद्रव का थाल समर्पित करने के लिए न्यू रोहतक दिगंबर जैन समाज के साथ बलराम नगर दिगंबर जैन समाज के सभी ट्रस्टी आ जाए और दिव्य अर्घ और जयमाला का संपूर्ण अर्घ श्रीफल रूप में समर्पित करेंगे। शताष्ट एलाचार्य श्री अतिवीर सागर मुनिराय अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति। एक साथ सभी सज्जनों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़े और एक साथ मंगलमय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके आशीर्वाद लें। जितने भी सज्जन बैठे हैं सभी हाथ जोड़े एक साथ बोलिए हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय में कैमरे वाले भैया सामने से अलग हुए दीपक रखा है नैवेद्य के बाद एक प्रज्वलित दीप भी ले लें और ये सुंदर सा हाँ दीपक का घर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी सदगुण के मोती हम पे मारती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। Thank you.
सज्जन दीप खान वही उनकी धर्मपत्नी जी श्रीमती कविता जी वे सब दोनों जन आए हैं पूरे दिगंबर जैन समाज पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए पधारे रतन सिंह भाटी जी व्यापार मंडल अध्यक्ष वे भी हमारे बीच हैं लोनी गुरु महाराज के पूज्य पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं आशीर्वाद ले रहे हैं अरविंद जी गोयल जी महामंत्री जी वे भी गुरु महाराज को श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ताली बजाकर हम सभी के अच्छे भावों की अनुमोदना करें पुनीत जी जैन लाल मंदिर प्रबंधक महोदय मुख्य मैनेजर महोदय वे भी उपस्थित हैं कविता मां श्रीमती कविता जैन जी के माल्यार्पण तिलक है तो शिखा जी जैन भाभी शिखा जैन वे आ जाएं और कविता जी को माल्यार्पण और तिलक आदि के माध्यम से स्वागत उनके साथ अपनी महिला मंडल की कुछ माताओं को और ले आए अतिथि देवोभव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं मंगलमय पाद प्रक्षालन पूजन के उपरांत हम सब आज योग्य कर कमलों में शास्त्र भेंट करना चाहते हैं हम ही सज्जनों में से शकरपुर दिगंबर जैन समाज को गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करिए सौभाग्य मिला है शकरपुर दिगंबर जैन समाज के सभी सज्जन आ जाएं और गुरुदेव के पूज्य पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट कर पुण्य एकत्रित करेंगे श्री महावीर जी जैन साहब और उनके पूरे साथी भाई शकरपुर से जो भी यहाँ उपस्थित हैं यथाशीघ्र आए और गुरु महाराज के पूज्य पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट का मंगल कार्य संपन्न करेंगे पुनीत जी जैन लाल मंदिर वे भी शास्त्र भेंट के मंगल कार्य में सम्मिलित हों शास्त्र भेंट करेंगे हाँ जी दे दीजिए हाँ जी लाल मंदिर से हमारे बीच सतीश जी जैन साहब भी आए हैं श्रीफल भेंट कर लें आशीर्वाद ले लें शास्त्र भेंट करने के लिए महावीर जी जैन शकरपुर दिगंबर जैन समाज के सभी सज्जन आए और गुरुदेव के पूज्य पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट कर पुण्य एकत्रित करें पुनीत जी जैन साहब कविता मां शास्त्र भेंट कर पुण्य एकत्रित करें बोली दादशांग जिनवाणी माता की अपनी भव्य तैयारी लेकर आए हैं नृत्य भक्ति कविताएं मैं ब्रह्मचारी अतुल भैया से निवेदन करता हूं अपने इस गुरुकुल के बाल गोपाल और इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था को आपने संभाल रखा है उसके जो रत्न आप लेकर आए हैं उनका प्रस्तुतिकरण आप स्वयं करें पधारें अतुल भैया आ जाएं देखिए बोली पार्श्वनाथ भगवान की एलाचार अतिवीर सागर जी महाराज की बंधु ज्ञान सागर गुरुकुल बरनाबा के बच्चे यहाँ पर आए हैं हरीश जी अपनी पूरी टीम लेकर के बरनाबा गए थे और उन्होंने भावना व्यक्त की थी भैया जी महाराज श्री का चातुर्मास स्थापना हो रहा है आपके बच्चों का वहाँ कार्यक्रम हो तो हम भाई संकल्प जी जो गुरुकुल के एक बड़ा बच्चा है वो आएगा और आगे का क्या कार्यक्रम है क्योंकि टाइम कम है 10-15 मिनट में ही इन बच्चों के कार्यक्रम को अपन समाप्ति की ओर ले जाएंगे भाई संकल्प जी आए और आगे की अपनी जय बोलिए महावीर भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की एलाचार्य श्री 108 अतिवीर जी महाराज की सर्वप्रथम
भगवान महावीर के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं और आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जिन्होंने मोह माया के तोड़े डाले सभी बंधन, अपने वात्सल्य से जिसने बना डाली धरा चंदन, अहिंसा को बना कर शास्त्र हिंसा का किया था वध, अहिंसा को बना कर शास्त्र हिंसा का किया था वध, ऐसे महावीर स्वामी को हृदय से करता हूँ वंदन, ऐसे महावीर स्वामी को हृदय से करता हूँ वंदन। जब मैं पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ लिखने बैठा तो मैं विचलित हो गया, सोच में पड़ गया कि लिखूं तो लिखूं क्या। फिर मैंने चार पंक्तियां लिखी, वो आप सबको समर्पित करता हूं, गुरुदेव को समर्पित करता हूं। कि तुमको चांद लिखूं या तारा, ज्ञान का तेज प्रकाश हो तुम। एक ऐसे साधु का चौमासा आपकी नगरी में हो रहा है जो पारस मणि है, और आपके पास चार महीने हैं उनका स्पर्श पाकर खुद को सोना बनाने के लिए। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि तुमको चांद लिखूं या तारा, ज्ञान का तेज प्रकाश हो तुम। पत्थर भी सोना हो जाता पल में जिसके पास हो तुम। कितना मुश्किल है सूरज के गुण को लफ्जों में लिखना, कितना मुश्किल है सूरज के गुण को लफ्जों में लिखना। अति वीर तुम ध्वज हो जय का, हर दिल का विश्वास हो तुम। अति वीर तुम ध्वज हो जय का, हर दिल का विश्वास हो तुम। और अब गुरुकुल के दो छोटे छोटे बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आएंगे और नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुकुल के बच्चे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है तुझे गुरु दरबार, अपनी तो
जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें। देखिए हम सभी जैन हैं, लेकिन जैन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, चार पंक्तियां मैंने लिखी। किसी के दर्द का जो चैन हो नहीं सकता, किसी के अशिकों में जो नैन हो नहीं सकता, वो चाहे कितनी भी इबादतें प्रभु की करे, वो कुछ भी होगा मगर जैन हो नहीं सकता, वो कुछ भी होगा मगर जैन हो नहीं सकता। हम सब संतों के चरणों में आते हैं, गुरुओं के चरणों में आते हैं, लेकिन गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि संत शब्द का मतलब जो अंतस का तामस दूर करे, संत शब्द का मतलब जो अंतस का तामस दूर करे, जिनकी चर्या हृदय खिला दे भक्ति को मजबूर करे, जिनकी चर्या जिनका संयम काल परावर्तन कर दे, जिनकी चर्या और तपस्या पत्थर को सोना कर दे। अरे ये तो वो हैं जिनके ऊपर जलती सिगड़ी रख दी जाती, ये तो वो हैं जिनके तन को क्रूर शेलनी है खा जाती। तो जय हो गुरुवर रतवीर सागर की, उपसर्गों से खेलो खेल, और इसी खेल में मिल जाती है सीधी मोक्षपुरी की रेल, इसी खेल में मिल जाती है सीधी मोक्षपुरी की। मैं सुमित जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आएंगे और अपनी एक छोटी सी कविता यहां पर रखेंगे। बच्चों का कार्यक्रम और भी आगे था, लेकिन आप सब अनेक अनेक स्थानों से आए हैं, वापस जाने की आपकी तमन्नाएं इच्छाएं प्रकट होने लगी हैं, तो उसी को लेकर बस आगे फिर कभी। महाराज जी महाराज बोलिए, लाचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। चातुर्मास हेतु हम सब एक बार गुरुदेव के पूज्य पावन चरणों में निवेदन कर लें, उनका मंगल आशीर्वाद हमें मिले। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ें, कितने लोग चाहते हैं कि बलराम नगर लोनी में चातुर्मास हो गुरुदेव का, तो वे सभी हाथ जोड़ें, एक साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मंगल में चातुर्मास हमारे यहाँ हो, इस हेतु आज मुख्य कलश का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बलराम दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रधान जी को, श्रीमान हरी जी साहब, एक बार उनसे निवेदन करूंगा पूज्य पावन चरणों में। दोनों हाथ उठाकर आप सभी ताली बजाएं, अपने पूरे परिवार के साथ श्रीफल अर्पित कर लें, आ जाएं और मुख्य मंगल कलश गुरुदेव से स्पर्श करा लें, अपने हाथ में उठा लें, संभाल कर। शेष सभी कलश आज आप सभी सज्जनों के हकर कमलों से मंदिर जी में स्थापित होंगे, और किन किन को मिलेंगे इसकी भविष्य की सारी संयोजना गुरुदेव अपने आशीष से हम सभी को बताएंगे। बोलिए आचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज की। मंगल में चातुर्मास कल स्थापन कर्ता परिवार गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए हम सभी ताली बजाकर इस मंगल कार्य की अनुमोदना करें, गुरुदेव के पूज्य पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर लें, आशीर्वाद ले लें। उनके परिवार की सभी महिला मंडल सदस्याएं, माताएं, बहनें, वे सभी गुरुदेव के पूज्य पावन चरणों में चातुर्मास हेतु निवेदन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं एक बार और निवेदन करूंगा, पूरा परिवार छुल्लक जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित कर लें, आशीर्वाद ले लें, और चातुर्मास के लिए निवेदन कर मुख्य कलश के पुण्यार्जक बन भविष्य में चातुर्मास की समस्त व्यवस्थाओं में अग्रिम पंक्ति में रहकर आप सभी सहयोग करेंगे। श्रीमान हरीश जी जैन साहब, पूरा परिवार छुल्लक जी महाराज को चातुर्मास के प्रारंभ के विशिष्ट अवसर पर शास्त्र भेंट करने के उपरांत छुल्लक जी महाराज को वस्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त भी इसी परिवार ने किया है, ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। छुल्लक जी के कर कमलों में वस्त्र भेंट करेंगे अध्यक्ष महोदय हरीश जी जैन साहब।
पूरा परिवार वस्त्र भेंट करें, आ जाए। पूरी खुल्लक 105 श्री प्रारब्ध सागर जी महाराज की। कार्यक्रम की संपूर्णता पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो, हम सभी उनके चरणों में निवेदन करते हैं अपना आशीष वचन। यात्रा लेकर गुरुदेव के साथ मंदिर जी तक चलेंगे और कलश स्थापना करेंगे, चलें सभी लोग। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोली द्वादशांग जिन वाणी माता की, नौ बार नमकार मंत्र का जाप करें, मंगलमय कलश और गुरुदेव के साथ हम सब मंदिर जी की ओर चलेंगे और वहाँ चातुर्मास स्थापना आदि के मंगल कार्य संपूर्ण करेंगे। मैं सब लेके जाएं। भैया भगवान जी को दिखाना वहाँ।
चल चल चल